वहीं हरियाणा में लगातार हो रही बरसात ने एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं कहर बनकर भी बरसात टूटी है। क्योंकि गुरुग्राम की हम बात करें, ये बरसात प्रशासन की पोल खोल रही है। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी तालाब में तब्दील हो गई है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत की बात करें, सोनीपत में भी हालात लगभग ऐसे ही है, और फतेहाबाद में भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है, यानी जल भरा हुआ है, और लोग काफी परेशान है। बात यमुनानगर और भिवानी की आप करें तो वहां भी बरसात से खेतों में पानी भर चुका है, और फसल कटान तो असंभव हुआ ही है, साथ ही खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की, गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनीपत, फतेहाबाद, यमुनानगर, भिवानी। तो लगभग सभी लोगों के लिए काफी नुकसानदायक और परेशानी का सबब हो गई है ये बरसात। गुरुग्राम में तो लगभग जब भी बरसात होती है तो बरसात प्रशासन के दावों की पोल खोलती है, एक बार फिर से तमाम दावे बरसात के साथ धुल गए हैं। जी बारिश हुई थी जी, जो बरसात बहुत तगड़ी बरसात हो रही है जी, बेमौसमी और जी बहुत खेतों में बहुत नुकसान हो रहा है जी, धानों में, सीख में, बाड़ी में इन्हें बहुत नुकसान हो रहा है जी। जी के ना मंडी में पानी भर चुका भाई जान। अच्छा, पूरी मंडी में पानी भर पूरी मंडी कितना कितना पानी भरा हुआ है? पानी घोटों से ऊपर है भाई जान, बिल्कुल नहीं निकल रहा है, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। निकासी नहीं है पानी की? पानी का निकास है, ये चलता है, समझ रहे, यहाँ जनरेटर लगा रखा है, जब चलता है, जब पानी खींच जाता है। साइकिल तो चल ही नहीं रही है, पूरी साइकिल डूब रही है पानी में। कितने फुट पानी होगा? पानी 10-12 फुट पूरा पुल डूब रहा है, 10-12 फुट पानी भर रहा है सारा। कोई निकल नहीं सकता, कोई निकल नहीं रहा, सारे बंदे लौट गए हैं, कोई नहीं आ रहा है, निकल ही नहीं जा रहा किसी से, पानी यहाँ तक आ रहा है पूरा, और पुल में 10 फुट पानी है। शनि मंदिर के पास है और यहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ है, ये जैसे नीचे दिख रहा है ये पूरा भरा है, कोई आ जा नहीं सकता है, इतनी परेशानी। निकलने के लिए रास्ता है? सिर्फ ऐसे जाना है भीगते हुए, इतने कमर भर पानी में।